ठीक है, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स स्टार्ट किया था. इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स में हमने ये डिस्कस किया कि नंबर ऑफ लाइंस जो एक इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नंबर ऑफ लाइंस कितनी क्रॉस करती हैं गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स हमने डिस्कस किया. पहला तरीका ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. दूसरा तरीका क्या था, किसी भी क्लोज बॉडी के लिए, इफ अ बॉडी इज अ क्लोज बॉडी, तो किसी भी क्लोज बॉडी के लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड क्लोज इन दैट क्लोज्ड बॉडी. तो दो तरीके हमने सीखे इसको करने के. हमने प्रूफ किया था गॉस थ्योरम का, फिर इसकी एप्लीकेशंस की थी. पहली एप्लीकेशन थी कि एक लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी वजह से ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हमने डिस्कस किया था, जिसका ये फॉर्मूला आया था, ये फॉर्मूला आया था. एंड नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, एक स्फेरिकल शेल लिया, एक शेल, एक चार्ज शेल है. चार्ज शेल के हमने कुछ रिजल्ट्स किए कि अगर ई की वैल्यू चार्ज शेल के स्मॉल आर डिस्टेंस बाहर निकालते हो तो ये फॉर्मूला, अगर सरफेस के ऊपर निकालते हो तो ये फॉर्मूला, और अगर इनसाइड निकालते हो तो ई जीरो रहता है. नेक्स्ट है इसमें सेम चीज़ हमने की, एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है जिसके अंदर चार्ज है, तो ई की वैल्यू बाहर क्या होगी, ई की वैल्यू जो है वो सरफेस के ऊपर क्या होगी और इनसाइड क्या होगी, ये हमने डिस्कस किया. मैंने आपको बताया था कि एक रजिस्टर लगाना है आपने, एक रजिस्टर में फॉर्मूलाज आपने नोट करने हैं. तो जो जो आप टॉपिक करते जाएंगे रोज चार फॉर्मूलाज या जो भी आप फॉर्मूलाज करेंगे उसमें प्लीज़ नोट करते जाएं बहुत अच्छे से. बढ़िया रजिस्टर बनाना जिसमें आपको मज़ा आए पढ़ के, ऐसा ना हो कि आप कुछ भी लिखते जाओ रफ रफ फिर पढ़ा भी ना जाए, वो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है. ठीक, तो आप प्लीज़ उसको नोट करते जाएं तो एंड में आपको बहुत फ़ायदा होगा उस रजिस्टर से. तो नेक्स्ट जो है टू डराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम. हमने गॉस थ्योरम का प्रूफ किया था. गॉस थ्योरम के प्रूफ में हमने कूलम लॉ को यूज़ किया था. अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम कूलम लॉ प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. तो लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक ये लगेगा कि आपके पास अगर मान लो एक पॉइंट चार्ज है, मान लो q इज अ पॉइंट चार्ज, आप इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर मुझे e की वैल्यू बता दो. आपको कि इसमें क्या बताना, ये तो वैल्यू पता है मुझे 1/4πε q/r2. नहीं, आप ऐसे नहीं बताएं मुझे, क्योंकि वो जो फॉर्मूला मैंने करवाया था वो बाय यूजिंग कूलम लॉ था. तो अब क्योंकि कूलम लॉ आपको प्रूव करना है तो अब आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो आप मुझे अब फिर से ई की वैल्यू को डराइव करके बताएं, इसकी वैल्यू को प्रूव करके बताएं कि 1/4πε0 q/r² होती है, या मुझे करके दिखाएं, लेकिन बाय यूजिंग क्या, गॉस थ्योरम, नॉट बाय यूजिंग कूलम लॉ. तो आप पहले गॉस थ्योरम को यूज करके ई की वैल्यू बताएं, फिर मैं यहां पर एक इमेजिनरी चार्ज रखूंगा क्यू नॉट, या टेस्ट चार्ज रखूंगा क्यू नॉट, और पूछूंगा कि यहां पर आपने ई निकाल लिया तो इस क्यू नॉट के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, तो आंसर क्या होगा, क्यू नॉट इंटू ई. और जब मैं यहां पर ई की वैल्यू को पुट करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 1/4πε0 q/q0/r² तो अपने आप कूलम लॉ प्रूव हो जाएगा. ठीक है यहां तक. तो अब पहला काम क्या है, हमें क्या निकालना है, ई की वैल्यू को निकालना है. तो ई की वैल्यू को अगर मुझे निकालना है तो ये कोई स्फेयर नहीं है, प्लीज ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर आपको ई निकालना है. इमेजिन करें आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, आप स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई निकालना चाहते हैं, आप क्या लेंगे वहां पर, एक गॉसियन सरफेस डीएस. अब आर डिस्टेंस दूर ये गॉसियन सरफेस है, आर डिस्टेंस दूर ये गॉसियन सरफेस है, आर डिस्टेंस दूर ये गॉसियन सरफेस, गॉसियन गॉसियन सभी गॉसियन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इमेजिनरी स्फेयर. ठीक हो गया, तो इमेजिनरी स्फेयर हो गया एक, तो ये इमेजिनरी है गॉसियन स्फेयर, एक्चुअल में स्फेयर नहीं है. तो आपने क्या किया, क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज आपको गिवन है, आर डिस्टेंस दूर आपने एक स्मॉल गॉसियन ली डीएस, डीएस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. कई लोग ये सोचते हैं कि परपेंडिकुलर तो पीछे भी हो सकता था, ये आगे क्यों लिया, जो एरिया वेक्टर है किसी भी सरफेस के आउटवर्ड बनता है, इनवर्ड नहीं बनता. जैसे स्फेयर है उसकी सरफेस के बाहर बनेगा, अंदर की तरफ नहीं बनेगा, तो इसलिए हमेशा आउटवर्ड रहेगा. क्लियर है, तो ये आउटवर्ड है डीएस, और जहां ई निकालना है वहां प्लस वन, तो क्यू प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल. तो ई वेक्टर कहां होगा, टुवर्ड्स राइट, तो ई और डीएस में एंगल क्या होगा, जीरो. तो क्या है पॉइंट, क्लियर है, ई और डीएस में एंगल क्या हो गया, जीरो. तो उस स्मॉल सरफेस का स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो. तो ई डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन. तो स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू आ गया, टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन.
तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब इसके डीएस की इंटीग्रेशन क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने इस पूरे इमेजिनरी स्फीयर का क्या निकाल दिया, फ्लक्स निकाल दिया। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, इस क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, तो मुझे क्या दिख रहा है यहां पर, क्यू चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट तो किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई। रिजल्ट तो मुझे पता ही है क्या आना है, रिजल्ट तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर ही आना है, पर मैं यूज नहीं कर सकता था क्योंकि वो रिजल्ट मेरे पास कहां से आया था, बाय यूजिंग कूलम लॉ। तो अब मैं ये यूज करूंगा क्योंकि मैंने रिजल्ट कहां से प्रोड्यूस किया, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये वैल्यू आ गई। अब मान लो जहां पर आपने ई निकाला वहां आपने चार्ज कर रखा क्यू नॉट, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू ई। तो ई की वैल्यू को आपने पुट किया तो यहां से क्यू नॉट इनटू दिस ई, तो आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज फाइनली कूलम्स लॉ। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक कि कूलम लॉ क्या है बेसिकली, इसमें कोई डाउट इसमें क्लियर है यहां तक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और ब्रैकेट में थिन शीट, मोटी शीट नहीं है, बहुत पतली शीट है, चार्ज शीट है, बहुत बड़ी शीट है। बड़ी शीट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट के आर डिस्टेंस दूर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, ई की। फॉर एग्जाम्पल एक शीट कंसिडर करते हैं, ठीक, मान लो एक इनफाइनाइट शीट है, एक इनफाइनाइट शीट है, तो ये आपकी इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, बहुत बड़ी है। तो आपको इससे, आपको इससे r डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू निकालनी है, e की वैल्यू निकालनी है, चाहे राइट पे निकाल दो चाहे लेफ्ट पे निकाल दो, कहीं भी निकाल दो, यहां निकाल दो, यहां निकाल दो, यहां लेफ्ट राइट, जहां भी निकाल दो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर, हम क्या करने जा रहे हैं। अगर आप पुराने पेपर्स को उठाएं बोर्ड के, तो 10 साल में से कम 5 या 6 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बाकी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि शेल फेयर नहीं आए, ऐसा नहीं है, पर शीट और इनफाइनाइट शीट के ऊपर क्वेश्चंस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखेंगे, तो इसके अंदर ये हमने एक इनफाइनाइट शीट ली। आप सोचेंगे यार बड़ी कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम से बना दिया, डायग्राम तो बड़ा आसान था, एक शीट लो, इधर आर लो, आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। ये डायग्राम तो बाद की बात है, पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि मान लो ये आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, ये थोड़ी मोटी है, पर मेरी शीट में ये थिकनेस नहीं है, दिस इज थिन शीट, बहुत पतली शीट है। तो अगर यहाँ पर एक बहुत पतली और थिन शीट है और ये चार्ज्ड है, तो मुझे आर डिस्टेंस दूर क्या निकालना है, ई निकालना है, चाहे यहां निकाल दूं चाहे यहां निकाल दूं, कहीं पर भी मुझे ई निकालना है, राइट, आर डिस्टेंस राइट या आर डिस्टेंस लेफ्ट। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो मुझे मेरा पहला आंसर दो कि जहां पर मुझे ई निकालना है वहां पर क्या कंसिडर करेंगे, एक गॉशियन सरफेस। तो ये लो, ये आर डिस्टेंस दूर एक गॉशियन सरफेस डीएस ले ली, इधर से ले ली डीएस, इधर से भी ले ली डीएस, क्योंकि आर डिस्टेंस दूर चाहे यहां से लूं चाहे यहां से लूं चाहे यहां से लूं, जहां से मर्जी लूं, तो ये डीएस ली, ये डीएस ली, ये डीएस ली, ये डीएस ली, और ऐसी यहां भी ले सकता हूं, डीएस ली, डीएस ली, डीएस ली, डीएस ली। जब मैं सारे डीएस 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 को कंबाइन करूंगा, तो आप क्या इमेजिन करते हो कि आपको क्या दिखेगा, काफी लोगों ने कहा सिलेंडर, कैसे दिखा आपको, क्या मैंने सर्कल लिया कहीं क्रॉस सेक्शन में तो सिलेंडर कैसे दिखा, इसको भूल जाओ, ये अभी मैंने तो क्वेश्चन चेंज कर लिया, तो मैंने तो ये क्वेश्चन कहा ही नहीं कि ये क्वेश्चन, मैंने कहा क्यूबॉइड, ओके, मुझे क्यूबॉइड भी नहीं दिख रहा, ओके, क्वेश्चन ध्यान से, मैंने कहा कि ये मैंने आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है, तो गॉशियन सरफेस ली, ये रही गॉशियन, ठीक है, हवा में मार्क नहीं कर सकता, स्केच पेन से बना देता, ये डीएस है, डीएस है, ये डीएस है, ये डीएस है, सिर्फ डीएस 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 को मिलाना है, डीएस 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 को मिलाना है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको इस कॉपी के सामने एक और कॉपी नजर आ रही है,
यहां से एक डीएस, यहां से डीएस, तो डीएस डीएस को मिलाना है। मैंने तो कहा ही नहीं कि सबको मिला दो, मैंने कहा डीएस डीएस को मिलाओगे तो सामने इसके पैरेलल एक और शीट नजर आ रही है आपको, क्योंकि इसके सामने कॉरस्पॉन्डिंगली डीएस आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डीएस आएगा, हर यहां पर जो पॉइंट है इस शीट के उसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहां पर डीएस आएगा, तो क्या बनेगा यहां पर एक और शीट तैयार हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? ऐसी यहां से आठ डिस्टेंस दूर डीएस, यहां से आठ डिस्टेंस दूर डीएस, यहां से आठ डिस्टेंस दूर, तो हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली डीएस डीएस डीएस, तो जब मैं इन्हें कंबाइन करूंगा तो फिर से एक पैरेलल शीट नजर आएगी आपको। क्या है पॉइंट? क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये मेरा हाथ है, ये शीट है, तो मैं क्या कर रहा हूं इसके कॉरस्पॉन्डिंगली डीएस डीएस डीएस, तो बिल्कुल सेम पैरेलल हाथ का नजर आएगा जब डीएस डीएस को मिलाएंगे, तो इमेजिन कर रहे हो। और ऐसे ही इसके पैरेलल यहां पर भी नजर आएगा, क्योंकि आठ डिस्टेंस दूर यहां जाओगे तो इधर या इधर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अच्छा चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन है कि अब मैं एक लेके आता हूं सर्कुलर डिस्क, ये बीच में होल नहीं है, सर्कल पूरा, और ये थिन है और चार्ज्ड है। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस डिस्क से आर डिस्टेंस दूर आपको ई निकालना है, तो आप आर डिस्टेंस दूर यहां ई निकाल लें, यहां ई निकाल लें, यहां तो डीएस 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 लेंगे, तो आपको इसके पैरेलल क्या नजर आएगी? एक और डिस्क। और ऐसी आठ डिस्टेंस दूर इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, तो डीएस 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 कंबाइन करेंगे फिर से एक पैरेलल डिस्क, इधर भी डिस्क, इधर भी डिस्क। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? और हवा में बातें हो रही हैं, है हु कोई नहीं, डिस्क है तो इमेजिनरी बस डिस्क बनी, हाँ आपको दिखी, यहां बनी, यहां भी दिखी, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो डिस्क और डिस्क आपको इमेजिन हो रही है यहां पर आप क्या लगाना चाहते हो? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम डिस्क पे तो लगती नहीं है, क्योंकि आपको क्या करनी पड़ेगी, एक क्लोज्ड बॉडी लेनी पड़ेगी। क्लोज बॉडी कैसे होगी? जो ये डिस्क है और जो हवा में बनी हुई इमेजिनरी ये डिस्क है, आप इनको जोड़ दें हवा में, इमेजिन जोड़ दें, है कुछ नहीं, बाती बातें हैं, करना क्या है, क्लोज बॉडी बनानी है कुछ भी नहीं करना। तो अगर आप इस और इस डिस्क को जोड़ दें तो फिगर क्या नजर आ रही है? सिलेंडर, 3D बन गई सिलेंडर, इधर डिस्क और इधर डिस्क, अगर हर सरफेस को डिस्क और डिस्क को जोड़ दें तो आपको एक सिलेंडर नजर आएगा। तो समझ में आया ये बीच में कैसे बना? ये है कुछ नहीं, एक्चुअल में तो शीट ही थी, पर आपने यहां पर जो इसके पैरेलल, क्योंकि क्योंकि आपको जो जो शीट गिवन है वो क्या गिवन है, वो इनफाइनाइट गिवन है, पर इनफाइनाइट के साथ तो क्वेश्चन हो नहीं सकता, तो मैंने इसके इस शीट का कुछ पोर्शन कंसिडर कर लिया, और ये वो पोर्शन है जिसका एरिया कितना है, ए, इसका एरिया कितना है, ए। ठीक है, तो जब मैंने इसके आठ डिस्टेंस दूर यहां डीएस लिया, ये डीएस लिया, फिर मैंने यहां पर डीएस लिया, यहां डीएस 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 कंसिडर किया, तो सारे डीएस को मिलाया तो इसके पैरेलल फिर से क्या बन गई, एक डिस्क। फिर ऐसी आर डिस्टेंस दूर डीएस 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 को मिलाया तो डीएस वेक्टर इसमें बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड होगा। तो ये तीन डिस्क दिख रही है आपको, ये इमेजिनरी है, ये एक्चुअल है, और क्लोज बॉडी के लिए मैंने हर पार्ट को एक डिस्क और दूसरी डिस्क को जोड़ दिया कुछ इस तरीके से, क्या बना, एक क्लोज बॉडी विच इज अ सिलेंडर। क्यों किया? ताकि मैं गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकूं। हाँ ले सकते हैं, वो कह रहा है डिस्क क्यों लिया, स्क्वायर लो, ले लो, आप स्क्वायर लोगे तो यहाँ स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर को जोड़ोगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, ले सकते हो, कुछ भी ले लो, वैसे बना लो, एनसीईआरटी में डिस्क ली, मैंने भी डिस्क ले ली, ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब आगे ऑनलाइन वालों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब इसमें जो एरिया वेक्टर होता है ना, उसको काफी ज्यादा बुक्स एन कैप के साथ रिप्रेजेंट करती है, एन कैप, तो एन कैप का मतलब यहाँ पर डीएस वेक्टर ही है। तो आप प्लीज कभी क्वेश्चन में आ जाए एन कैप, आप पूछिए एन कैप क्या है, नहीं एन कैप क्वेश्चन यूनिट वेक्टर जो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एन कैप डीएस वेक्टर ही है इसमें। तो अब मेरे इस क्वेश्चन में कि अगर मान लो इनफाइनाइट शीट है, मैंने एक डिस्क ली या एक इसका पोर्शन सर्कल लिया, थिन शीट है इसका एरिया ए, तो एक क्लोज बॉडी बना दी, तो अगर मैं कहूं कि मुझे तो इसका फ्लक्स निकालना है, तो मुझे पहले ये बताओ कि ये जो शीट है इस पे थिन शीट है, थिन शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लेंथ वाइज होगा, एरिया वाइज होगा, या वॉल्यूम वाइज होगा? एरिया वाइज होगा, शीट के ऊपर चार्ज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, राइट? तो कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे, लैम्डा सिग्मा की रो,
सिग्मा, सिग्मा का मतलब चार्ज अपॉन एरिया। तो हम इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस ये जो डिस्क है सिग्मा, सिग्मा का चार्ज अपॉन एरिया। अच्छा इसका एरिया कितना है, लेट अस सपोज ए, इसका जो एरिया है वो मान लो कितना है ए। तो बोलो इस पोर्शन पे, शेडेड पोर्शन पे अगर मैं बोलूं कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर क्या होगा, सिग्मा इनटू ए, सिर्फ इस पोर्शन पे। वैसे तो बहुत सारा चार्ज होगा पर मेरे इस पोर्शन में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इनटू ए। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया को किससे मल्टीप्लाई किया, एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया इज चार्ज। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन कि क्या ये सिलेंडर इज अ क्लोज बॉडी, क्लोज बॉडी। तो अगर मैं कहूं कि इस पूरे सिलेंडर का टोटल फ्लक्स निकालो, तो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड में ये तो हवा की बातें हैं, यहां चार्ज थोड़ी ना है, यहां चार्ज थोड़ी ना है, चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। तो अगर मैं इस पूरी क्लोज बॉडी की बात करूं और बोलूं या पूछूं कि बोलो इसमें चार्ज कितना है, तो आप सिर्फ क्या बोलेंगे, इतना चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है। तो ये चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इनटू एरिया। तो ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा पूरी क्लोज बॉडी का। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक मिनट में आ गया, क्योंकि गॉस थ्योरम किस पे लगनी थी, क्लोज बॉडी पे। और जो क्लोज बॉडी है उसका चार्ज कहां पर है, सिर्फ इतने पोर्शन पे है, इतने पोर्शन का चार्ज क्या है, सिग्मा इनटू एरिया। तो बाकी चार्ज है ही नहीं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, टोटल फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स निकालने का एक और तरीका है, वो क्या, ई डॉट डीएस। हमने क्या यूज किया अभी, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से जल्दी आंसर आ गया, अब हम क्या करेंगे, ई डॉट डीएस। अब ई डॉट डीएस में एक प्रॉब्लम है, सिलेंडर में तीन सरफेस एरियाज हैं, डिस्क का और कर्व्ड सरफेस का। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ई डॉट डीएस पूरे सिलेंडर का एक ही गो में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ई डॉट डीएस लगाना है किसी भी फिगर का, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले लेफ्ट साइड का ई डॉट डीएस अलग आएगा, इस यानी कि इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा और कर्व सरफेस एरिया का अलग आएगा। तो आप इसको तीन हिस्सों में बांट लें अगर आप टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं बाय यूजिंग ई डॉट डीएस। तो आप तीन हिस्सों में बांट लें इसे, पहला हिस्सा रीजन नंबर वन, दूसरा हिस्सा टू जो कर्व सरफेस एरिया टू, और तीसरा कौन सा, थ्री। तीन हिस्से हो गए इसमें। तो अगर मैं बोलूं कि आप मुझे ये बताएं कि इसका ई डॉट डी एस क्या होगा, देखो ई वेक्टर राइट है, कैसे पता लगा, आप प्लस वन रख लें, ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो ई की डायरेक्शन कहां होगी, टूवर्ड्स राइट, और डी एस वेक्टर कहां पर है, टूवर्ड्स राइट। ई और डी एस में यहां पर एंगल क्या है, जीरो, ठीक है। ऐसे यहां पर देख लें, प्लस वन रखें, ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। एरिया वेक्टर कहां पर होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, परपेंडिकुलर, तो इधर डीएस इधर, तो एंगल ई और डीएस में क्या होगा, जीरो। ये भी स्टेप क्लियर है। अब इधर देख लें, अगर कोई भी कर्व सरफेस एरिया कंसिडर करें, जैसे ये मैंने कर्व सरफेस एरिया कंसिडर कर लिया, तो एरिया वेक्टर कहां पर है, परपेंडिकुलर, कितना, डीएस। तो प्लस वन रख लें यहां पर, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो ई वेक्टर कहां पर है, टूवर्ड्स राइट, एंगल इनके बीच में क्या बना, 90। ऐसी कर्व सरफेस एरिया यहां पे ले लें, तो एरिया वेक्टर कहां पर है, इसके परपेंडिकुलर, और प्लस वन रखेंगे तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो इस तरफ ई की वैल्यू कहां है, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो यहां पर ई कहां पर है, टूवर्ड्स लेफ्ट। एरिया वेक्टर कहां पर है, नीचे, ऐसे, ये रहा। तो ई और डीएस में एंगल कितने है, 90। ऐसी यहां पर ले लें, एरिया वेक्टर कहां पर है, डीएस टूवर्ड्स अपवर्ड्स, प्लस वन रख लें, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर कहां है, लेफ्ट। ई और डीएस में एंगल कितने है, 90। तो आपको ये नहीं फील हो रहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया में आपका ई डॉट डीएस आंसर क्या दे रहा है, जीरो। तो फ्लक्स की वैल्यू, इस कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां था? तो कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स जीरो, लेकिन क्रॉस सेक्शन सर्कल्स में या डिस्क जो है वहां पर फ्लक्स नॉन जीरो। तो एक काम करते हैं हम, इसमें ये एक्चुअल ये फिगर ज्यादा बेटर फिगर दिखा रही है आपको कैसे इमेजिन सिलेंडर लिया हमने। तो अब हम क्या करते हैं, स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं। हमारे पास तीन रीजन हैं, पहला रीजन लेफ्ट वाला रीजन था, ई और डीएस में एंगल क्या था, जीरो। राइट वाले रीजन में ई और डीएस में एंगल क्या है, जीरो जीरो जीरो। और बीच वाले रीजन में एंगल, कर्व्ड सरफेस एरिया में एंगल क्या बनता है, 90। तो यहां पर फ्लक्स क्या आएगा,
जीरो, क्लियर है यहां तक? तो ये स्मॉल फ्लक्स आ गया, टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, कॉस जीरो तो वन है, ये तो बिल्कुल जीरो हो गया, और यहां पर ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ये स्टेप भी क्लियर है, क्योंकि मैंने एरिया क्या लिया था फिगर में अपनी ए, तो इसका एरिया भी कितना है ए, इसका एरिया भी कितना है ए, तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है। ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की जगह एरिया ए, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस की जगह एरिया ए, बीच का तो वैसे ही जीरो है, तो ई ए का सम क्या होगा टू ई ए, तो टोटल फ्लक्स मेरे पास क्या आ गया टू ई ए, क्या स्टेप क्लियर है? तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू टू इंटू ई इंटू ए, राइट, और फ्लक्स हमने गॉस थ्योरम से भी निकाला था, क्या निकाला था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह क्या वैल्यू पुट की थी सिग्मा इंटू एरिया। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करें, एरिया से एरिया कैंसल, क्योंकि कई लोग मन में सोच रहे होंगे कि हम ई की वैल्यू निकाल रहे थे ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, पर मैंने एरिया क्या कंसिडर कर लिया ए, फिर ए कैसे कंसिडर किया क्योंकि शीट इनफाइनाइट है, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि एरिया तो मैंने कट कर दिया, एरिया कट करने का मतलब चाहे शीट छोटी हो चाहे बड़ी हो, थिन शीट है तो ई की वैल्यू विल रिमेन सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, तो इसलिए एरिया कट गया, तो आपके पास ई की वैल्यू क्या आ गई सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट की वैल्यू क्या होगी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां तक? एक्चुअली आप पूछ तो सही रहे हो कि वो कह रही है कि शीट छोटी है बड़ी है कुछ तो फर्क होगा, भी बड़ी शीट लेके आऊंगा तो बड़ा ही आएगा, छोटी है तो छोटा ही आएगा, प्रॉब्लम पता है क्या है, जब आप एलिमेंट ले लेके सॉल्व करोगे तो कॉम्पोनेंट्स कैंसिल होते जाते हैं, ई फिर कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो वो हम कर नहीं रहे ना, इंटीग्रेशन कैंसिलेशन दिख नहीं रही आपको ई की, तो नेट रिजल्ट यही आएगा। हाँ अजीब लगता है ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, तो लेकिन ऐसा है तो कॉन्स्टेंट ही आता है। इनफाइनाइट शीट देखो, इन पहली बात तो इनफाइनाइट शीट का मतलब है एक बड़ी शीट है, तो मैंने ये नहीं कहा कि इतनी शीट ले आओगे तो आंसर सेम रहेगा और इतनी बड़ी ले आओगे तो भी सेम, नहीं ऐसा नहीं समझना, बड़ी शीट है। अब बड़ी शीट कितनी बड़ी शीट है मुझे पता नहीं कितनी बड़ी शीट है, तो आंसर विल रिमेन सेम, अब तो ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट शीट का रिजल्ट है, ये फाइनाइट छोटी सी शीट का रिजल्ट नहीं है, तो इसलिए आंसर विल रिमेन सेम। तो बड़ी बड़ी शीट्स में आंसर सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा इसमें, तो यहां तक क्लियर है। अब आगे आगे स्पेशल केस है, आपको मैंने जो एक्सप्रेशन करवाया वो किसका करवाया, वो थिन शीट्स का करवाया, अगर शीट थिक हो तो, मोटी शीट हो तो, और मोटी शीट है और कंडक्टिंग है ऊपर से, तो मोटी शीट में चार्ज भर दो, चार्ज चार्ज भर दिया, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मोटी शीट में थिक शीट में, लैम्डा सिग्मा की रो, रो रो का मतलब वॉल्यूम वाइज, बिल्कुल गलत, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग शीट के अंदर तो चार्ज होता ही नहीं, सारा चार्ज कहाँ जाता है सरफेस के ऊपर, तो क्या यूज होगा सिग्मा, कंडक्टर के लिए रो यूज ही नहीं होगा कभी भी, कंडक्टर के लिए तो सिग्मा, चार्ज तो बाहर आ जाएगा, तो अब ये मोटी शीट है तो अंदर चार्ज होगा नहीं, तो या तो इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, तो अब ये ऐसे कंसिडर होगा जैसे दो थिन शीट्स हैं, एक पतली शीट और एक पतली पैरेलल शीट्स का कॉम्बिनेशन, राइट, तो अगर दो दो पतली पतली शीट्स हैं, ये देखो जिसको कॉम्बिनेशन को थिक शीट बोलते हैं, और आप यहाँ पर प्लस वन रखें और निकालें ई की वैल्यू क्या होगी, तो जहाँ आपको ई निकालना है वहाँ चार्ज क्या रखना है प्लस वन, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा रिपेल, कितनी वैल्यू के साथ सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि थिन शीट का रिजल्ट क्या होता है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और पिछली शीट भी इस प्लस वन को क्या करेगी रिपेल, कितनी वैल्यू के साथ सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक शीट नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ दो पैरेलल शीट्स हैं, थिन शीट्स हैं, दोनों ने ई लगाया, दोनों वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो इन्हें ऐड करेंगे सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या आएगा सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट, हालांकि थिक शीट पे क्वेश्चन आते नहीं हैं बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ गिवन नहीं है पेपर में, बस वो बोलता है एक शीट है, शीट की वजह से ई की वैल्यू सॉल्व करो, तो प्लीज थिक नहीं लेना, आपने उसे थिन ही लेना है। तो बाय डिफॉल्ट थिन आएगा, सारे क्वेश्चन ज्यादातर थिन पे ही चलते हैं, थिक पे तो अगर वो बोल ही दे मैं तो थिक ले रहा हूं, आप फिर ये लगा लेना, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है यहां तक? तो ये एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल केस, अगर आपके सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा शीट का, तो फिर जो अगले दो एक्सप्रेशन करवा रहा हूं मैं, दो पैरल शीट्स के, ये आ जाएगा, तीन तीन नंबर में कुछ ना कुछ आएगा इसमें से। तो क्या आएगा, जैसे वो केस बना के देगा, इसमें ये तो रिजल्ट यूज कर रहा हूं ना, थिन शीट का तो रिजल्ट आ गया ना, तो थिन शीट के रिजल्ट को यूज किया मैंने इसमें। अब स्पेशल केस है, आपके पास अब दो थिन शीट्स हैं, आपके पास दो थिन शीट्स हैं, ठीक, तो ये दो थिन शीट्स हैं प्लस एंड प्लस, तो वैल्यू सिग्मा एंड सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, सिग्मा सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब है कि सिग्मा होता क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर सिग्मा दोनों में सेम है, तो चार्ज दोनों में सेम है और एरिया भी दोनों का सेम है, तो चार्ज बाय एरिया सिग्मा, चार्ज बाय एरिया सिग्मा, तो सिग्मा दोनों का सेम है, तो चार्ज अपॉन एरिया की रेशियो दोनों के लिए सेम है, तो आइडेंटिकल शीट्स है। तो आपको तीन रीजन देगा, रीजन नंबर वन, रीजन नंबर टू, रीजन नंबर थ्री, कहेगा रीजन नंबर वन में ई निकालो, टू में ई निकालो और थ्री में ई निकालो। तो रूल नंबर वन, आपको अगर रीजन नंबर वन में ई निकालना है तो यहां इमेजिन करो चार्ज प्लस वन, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो इसकी ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट आंसर आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एक आंसर आ गया। उसी तरीके से अगर आपको यहां ई निकालना है रीजन नंबर टू में, तो प्लस वन रखें, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो वैल्यू सेम रहेगी, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों आप इसमें एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल, तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। तो दोनों शीट्स के बीच के रीजन में आंसर क्या आएगा, जीरो। और उसी तरीके से अगर मान लो यहां निकालना है तो प्लस वन, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस भी प्लस को रिपेल करेगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर फिर से सेम यही आएगा। तो ये एक स्पेशल केस है, कई बार वो स्पेशल केस पूछ सकता है, दो शीट दे देगा सिग्मा, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है सिग्मा बराबर ना दे, तो वो कहेगा कि ठीक है एक में सिग्मा सिग्मा वन है, एक में सिग्मा सिग्मा टू है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, अब आंसर दो। तो क्या करेंगे, सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन, तो नेट आंसर इन दोनों का सम करके दिखा देना, ऐसे छोड़ देना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई भी स्पेशल केस देगा तो आप प्लस वन रख के वेक्टर से अपने रिजल्ट को यूज करके इसे नेट रिजल्टेंट की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है, ये भी बहुत आता है, ये भी बहुत आता है। अब वो तीसरा केस क्या देता है, कहते हैं दो शीट्स ले लो, एक शीट पॉजिटिव एक शीट नेगेटिव, एक का सिग्मा सिग्मा एक का माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा माइनस सिग्मा क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड सिग्मा का बराबर है, इसका मतलब चार्ज दोनों पे बराबर है, एरिया भी दोनों शीट्स का बराबर है, तो चार्ज बाय एरिया की रेशियो दोनों की सेम है, तो सिग्मा दोनों का सेम है, पर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो इसलिए एक का सिग्मा पॉजिटिव एक का सिग्मा नेगेटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव क्लियर है। अब आपको फिर से तीन रीजन देगा और वो क्या, तीन रीजन में ई निकालो, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा देता है एक प्लस और माइनस वाले, तो अगर आपको यहाँ ई निकालना है तो प्लस वन, ये प्लस इस प्लस वन को रिपेल करेगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो नेगेटिव इस प्लस वन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मैग्नीट्यूड लेना है माइनस नहीं लेना, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो वेक्टर में एडजस्टमेंट होगी नेगेटिव की, अट्रैक्टिव फोर्स शो करनी है, तो आपने मैग्नीट्यूड लेना है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट,
माइनस नहीं लेना, तो मैग्नीट्यूड इसका और इसका बराबर, तो नेट आंसर क्या आएगा? जीरो। तो नेट आंसर की वैल्यू यहां पर जीरो आएगी इस रीजन में। सिमिलरली अगर यहां पर आपको ई निकालना है, चार्ज प्लस वन रखने, प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, तो ये वैल्यू। माइनस प्लस वन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, चाहे नेगेटिव है कोई बात नहीं, तो भी मैग्नीट्यूड लेना है। तो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहां लोग गलती कर देते हैं, ई के न्यूमेरिकल में मैंने आज तक नेगेटिव साइन लिया नहीं कभी भी, वेक्टर ड्रॉ करने के काम आया। पर अगर आपने गलती से माइनस ले लिया तो आप बीच के रीजन में आंसर क्या बोल देंगे? जीरो, आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ऐसी लास्ट में अगर प्लस वन रखा इस रीजन में, तो माइनस प्लस वन को अट्रैक्ट करेगा, आपने मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, और प्लस जो है प्लस वन को रिपेल करेगा, तो ये दो वेक्टर आपस में कैंसिल, तो नेट आंसर जीरो। तो एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है कि आज के बाद अगर दो पैरेलल शीट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और सिग्मा दोनों का बराबर है, एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा, तो उसके इस रीजन में और इस रीजन में ई एग्जिस्ट नहीं करता, ई एग्जिस्ट नहीं करेगा, ई सिर्फ बीच के रीजन में एग्जिस्ट करेगा। तो आप इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ये शो करने के लिए कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है? नेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, जो कि कांस्टेंट वैल्यू रखेगा, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो सिग्मा एंड एप्सिलॉन नॉट बोथ आर कांस्टेंट, तो ई की वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, क्यों? क्योंकि यहां पर मैं इसे छोड़ रहा हूं, बंद कर रहा हूं एक पॉइंटर लगा के। हम एक चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के बाद एक और चैप्टर आएगा जिसका नाम है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर की स्टार्टिंग इस रिजल्ट से है, कैपेसिटर यहां से स्टार्ट होता है। मैं कहूंगा जब कैपेसिटर स्टार्ट हुआ था, देखा हमने फ्लक्स में किया था कि अगर दो पैरेलल शीट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सिग्मा की वैल्यू दोनों में बराबर, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो उनके बीच में ई की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन चैप्टर कैपेसिटर, एंड यू हैव टू रिमेंबर दी फॉर्मूला। याद तक क्लियर है? पर मैं आपको कहूंगा फिर सीधा कैपेसिटर करवा, उसके बाद तो सीधा लिंक बन जाएगा पॉइंटर के छोड़ा, क्योंकि कैपेसिटर को स्टडी करने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो जब तक वो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तब तक कैपेसिटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब एक पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, एंड दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो वहां से शुरू होता है। तो यानी कि ये रिजल्ट भी यूज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज करेगा, पोटेंशियल भी यूज करेगा, और एनर्जी भी यूज करेगा, तब वो कैपेसिटर स्टार्ट होगा। तो इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ के फ्लक्स की प्रैक्टिस करके हम अगला जो चैप्टर करेंगे वो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेंगे, फिर उसके बाद फिर कैपेसिटर के ऊपर पहुंचेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर। इस क्वेश्चन को एक बार देखें न्यूमेरिकल्स में, शीट नंबर 14 है आपकी, हैंड रिटन 14।
देखो, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो ई वेक्टर है, तो जिसमें आई कैप, जे कैप और के कैप गिवन है, तो 5i कैप, 4j कैप और 4k कैप, ये वैल्यू गिवन है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे, जब एरिया की वैल्यू कितनी है, वो भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो वेक्टर ही गिवन है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर या डी एस वेक्टर, एक ही बात है, यहाँ पर टोटल एरिया वेक्टर सीधा गिवन है, तो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो ई वेक्टर मेरे को एज इट इज गिवन है, तो ई वेक्टर की जगह ई वेक्टर और 10^5 बाद में जोड़ लिया, और ऐसी एरिया वेक्टर 2i कैप - j कैप एक तरफ और 10^-2 एक तरफ, सीधा डॉट प्रोडक्ट लगा दें, क्योंकि ई डी एस कॉस थीटा तो तब लगेगा जब एंगल कुछ गिवन होंगे, आपको दो वेक्टर गिवन है तो आप सीधा ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ही लगा दो, सीधा आंसर आ जाएगा, तो आई वाली टर्म को आई से मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 = 10, जे वाली को जे के साथ -4, और के है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करके 10^3 हो जाएगा आंसर। जो फ्लक्स है, क्योंकि फ्लक्स जो है उसका जो जो ई होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है मीटर का स्क्वायर, तो ये इसके यूनिट्स बन जाएंगे, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक, तो ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट एक बार प्लीज क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार पहले, तो देखो गिवन ई वेक्टर गिवन है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 cm, आपको ई वेक्टर गिवन है, अच्छी बात है, आई कैप में गिवन है, आपको स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर का एरिया आप निकाल सकते हैं 10/10, तो 10 cm × 10 cm निकाल सकते हैं, हूज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, तो ये जो प्लेन है जो स्क्वायर है इस पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, व्हाट वुड बी दी, चलो सेकंड पार्ट बाद में, पहले फर्स्ट पार्ट देखो, तो फर्स्ट पार्ट में ई वेक्टर गिवन है, आपको सिर्फ एरिया वेक्टर निकालना है, तो ई वेक्टर निकाल लो, एरिया वेक्टर सोचो कैसे होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट लो, आंसर आएगा, और अगर पहला पार्ट हो गया तो दूसरा पार्ट एक बार देखो और सोचो जरा क्या डायग्राम बनेगा और क्या एंगल बनेगा ई और डी एस में।
देखो तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि आपको देखो सबसे पहले एक पॉइंट को समझते हैं, जो एरिया वेक्टर की गेम है वो ऐसी है कि ये मान लो y z प्लेन है, y z प्लेन है, तो अगर ये y z प्लेन में पड़ा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर का मतलब कौन सा एक्सिस होगा, कम से कम y और z तो नहीं होगा, क्या होगा, x होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शॉर्टकट भी कह सकते हो इसे, कि अगर आपकी कॉपी yz प्लेन में है तो एरिया वेक्टर x में आएगा, अगर xy प्लेन में है तो एरिया वेक्टर z में आएगा, तो थर्ड एक्सिस पे ही आएगा एरिया वेक्टर हमेशा। तो एरिया वेक्टर निकालना तो इजी हो गया, जो भी प्लेन गिवन है बस उसमें एरिया वेक्टर नहीं होगा, तीसरे में होगा, क्लियर है यहाँ तक, तो एक रिजल्ट क्लियर है। तो वो कह रहा है कि एक प्लेन है, एक स्क्वायर है, और वो स्क्वायर कैसे पड़ा हुआ है, वो स्क्वायर वाई जेड प्लेन में पड़ा हुआ है, ये वाई जेड है, ये बोर्ड के बाहर है जेड, वाई जेड प्लेन ऐसे। ई वेक्टर कहाँ पर है, 5×10³ आई कैप, आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस, तो ई वेक्टर तो फिक्स है एक्स एक्सिस, ये लूप ऐसे पड़ा हुआ है वाई जेड प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस, तो एरिया वेक्टर इधर है, ई वेक्टर इधर है, तो ई और एरिया में एंगल कितना है, जीरो, तो फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ जीरो, पहला स्टेप क्लियर है। तो इसलिए इसका पहला आंसर क्या होगा, ई इंटू एरिया, मेरे को तो मैंने एरिया गलत पुट कर दिया, एरिया 10×10⁻², तो साइड है, इसका क्या करना चाहिए, होल स्क्वायर, तो मुझे इसमें होल स्क्वायर करना चाहिए, तो मेरे को इसमें ऐसा करना चाहिए कि ई की वैल्यू मुझे पता है, एरिया का होल स्क्वायर और कॉस ऑफ जीरो, तो ये आपके पास आंसर आएगा, आंसर देख लो क्या आएगा, मुझे पता नहीं, ये यार है, ओके स्क्वायर लगाना भूल गया, आंसर सेम है, बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, पहला पार्ट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दूसरा पार्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा पार्ट के अंदर उसने कहा प्लेन ने एंगल बना लिया एक्स एक्सिस के साथ कितना, 30। तो अब आपको ये देखना है कि सेकेंड केस में ई और एरिया में एंगल क्या होगा, तो कितनों को समझ में आ गया कि एंगल 60 बनेगा, सोचें, बनाएं किसी भी तरीके से, सोचें अपने इस टेबल को एक्स वाई प्लेन मान लें, ये जो टेबल है एक्स वाई प्लेन है, और जेड एक्सिस सोचें, और कॉपी लें, कॉपी को घुमा के देखें और सोचें जरा क्या होगा। हाँ मैं एक हिंट ये जरूर दे सकता हूँ कि अगर सपोज करो ये आपके पास एक प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर ये रहा, तो अगर ये प्लेन रोटेट हो गया या ऐसे 30 डिग्री, ये प्लेन रोटेट हो गया तो एरिया वेक्टर भी रोटेट हो गया। ई वेक्टर को ऐसे रखो, एक पेन ले लो, ई वेक्टर ऐसे रखो, इसको मत हिलाना, और दूसरे पेन इसके ऊपर रख के ऐसे घुमा के देखो, फिर देखो ई और इस पेन में एंगल क्या बनेगा, खुद सोचो 2 मिनट, सोचना तो आप ही को पड़ेगा, तो सोचो एंगल 60 आया कि नहीं आया। सेकेंड केस है ना, उसमें कोई भी आर्बिट्री प्लेन है वाई जेड पे स्टिक ना करो, जो सेकेंड केस है ना वो वाई जेड प्लेन नहीं है, वाई जेड छूट गया, अब नया प्लेन ने एंगल 30 डिग्री बना लिया एक्स के साथ, बस इट इज नॉट वाई जेड प्लेन, कोई कॉपी ले लो, उस कॉपी ने एंगल बनाया 30 डिग्री, सिंपल ऐसे, तो सोचो एंगल 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो।
ऑनलाइन वाले स्टूडेंट का 60 आया है आंसर, 60 आ रहा है? यस सर। आप जब सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट पार्ट को भूल जाएं। अब वो वाई जेड प्लेन नहीं रहा, अब तो वो एक नया प्लेन है। नए प्लेन ने एक्स के साथ एंगल कितना बनाया, 30। मैं करके दिखाता हूं, देखो देखो इधर देखना प्लीज, ध्यान से देखना। ये एक्स एक्सिस है, ये पेन एक्स एक्सिस है, तो ई वेक्टर कहां पर है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये ठीक है, इसको नहीं मैं छेड़ूंगा, ठीक है। तो एंगल किसके किसके बीच में ढूंढना है? ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है। करें स्टार्ट। तो मान लेते हैं ये आपका ई वेक्टर है, यानी कि एक्स एक्सिस है, ठीक। ये प्लेन है, तो इस प्लेन ने एक्स के साथ एंगल क्या बनाया? जीरो। अभी तो इसके साथ ही है ना ये, पर कितना बनाना है? 30। घुमा दूं, ये लो 30 बना दिया। तो इसका मतलब इस पेन के साथ एक्स एक्सिस के साथ ये जो वैल्यू है वो कितनी है? 30। कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो अब मेरे को एंगल निकालना है एरिया वेक्टर का, मेरे को प्लेन का और एक्स का थोड़ा निकालना है, मेरे को एरिया वेक्टर कैसे है? ये एरिया वेक्टर है, तो इस कॉपी के परपेंडिकुलर है, तो जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, राइट। तो मैं ऐसे रख लूँ एरिया वेक्टर, और ये मेरा ई वेक्टर है, राइट। मेरे को एंगल किसके किसके बीच में निकालना है? ई वेक्टर, ये पेन और पेंसिल के बीच में, पर मेरे को क्या गिवन है? इस कॉपी और पेन के बीच में, तो कितना गिवन है? 30। अब ये पेंसिल ने प्लेन के साथ एंगल क्या बनाया? 90। तो आप खुद सोचो, अगर ये पेंसिल प्लेन के साथ एंगल 90 बनाती है और ये पेन इसके साथ 30 बनाता है, तो बचा हुआ एंगल क्या हुआ? 60। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। तो फिर से देखो एक बार, ये ई वेक्टर है, ये प्लेन है, ये इधर मुड़ गया, तो ये एंगल कितना है? 30। अपने को ये एरिया वेक्टर है इसका, ई और एरिया में एंगल बनाना है, तो ये एंगल कितना है? 30। ये टोटल एंगल कितना है? 90। तो ई और एरिया में एंगल कितना है? 60। अब समझ में आया? तो अपने को एंगल किसके किसके बीच में निकालना है? ई एंड एस वेक्टर, तो एंगल 60। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये एंगल जो है वो 60 हो गया, तो डन। ई डी एस कॉस 60 आंसर। एरिया ठीक कर लेना, 10^-2 के साथ आएगा। क्या स्टेप सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ओके, इसे ट्राई करो। ने बताया कि नोटिस बोर्ड पे जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है उसका रिजल्ट लगा दिया मैंने, तो ये तो छोटा टेस्ट था, जब बड़े यूनिट होंगे तो मार्क्स कटेंगे भी, तो अभी तो चलो सब पहला ट्राई बॉल है तो ठीक ही चल रहा है, तो जब बड़े बड़े होते जाएंगे तो नोटिस बोर्ड पे लिस्ट लगा करेगी असेंडिंग ऑर्डर में कि भाई क्या रिजल्ट रहा, तो पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ना पड़ेगा, हेल्दी कॉम्पिटिशन, ठीक है, बोलो। हाँ, तो लास्ट ईयर नहीं हो पाता था ना, ऑनलाइन सारे बच्चे आते हैं, तो अब देख लेंगे ना, ठीक है। तो क्या है पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज। नेक्स्ट इज अ स्फेरिकल गॉशियन सरफेस एनक्लोजेस अ चार्ज ऑफ, तो आपको ये चार्ज की वैल्यू दे रहा है क्यू। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स क्या होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू पता है, एप्सिलॉन पता आंसर, जो आसान क्वेश्चन है। और ऐसे ही वी पार्ट है, इफ रेडियस ऑफ गॉशियन सरफेस इज डबल्ड, तो स्फेयर छोटे की जगह स्फेयर बड़ा कर देता हूँ, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? सेम। ऐसा क्यों?
क्यों, अगर बहुत बहुत बड़ा ले लिया तो, छोटा सा ले लिया तो, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया जो जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फर्क नहीं पड़ता ना। फर्क क्यों नहीं पड़ता, देखो थ्योरेटिकली समझाता हूँ। पहला रीजन तो ये है कि अगर आप स्फीयर को छोटा लेंगे या स्फीयर को बड़ा लेंगे क्या फर्क पड़ता है, क्यू चार्ज है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो सेम ही रहेगा। दूसरा, जब आप छोटा या बड़ा लेंगे तो लाइंस तो वही है ना, जो इसे भी वही क्रॉस कर रही है और इसे भी वही क्रॉस कर रही है, तो फ्लक्स की वैल्यू विल रिमेन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइज छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, इनसाइड का चार्ज मैटर करता है। अगर अंदर का चार्ज क्यू है तो फ्लक्स की वैल्यू विल रिमेन सेम। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, इसके अंदर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, को इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको ना एक स्क्वायर शीट गिवन है, 10x10 का स्क्वायर गिवन है कुछ इस तरीके से। तो आपको इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है कि, ठीक है, और इसके 5 सेंटीमीटर ऊपर 10x10 की स्क्वायर शीट गिवन है, 10 cm by 10 cm, तो एक चार्ज गिवन है Q। आपको ये बताना है कि ये जो Q चार्ज है, ये Q चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगी ना हर तरफ, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं हर तरफ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही हैं हर तरफ, तो हर तरफ जाएंगी, ऊपर भी जाएंगी नीचे भी जाएंगी, हर तरफ जाएंगी कुछ इस तरीके से, राइट। ठीक हो गया। आपको बताना है कि इस शीट का फ्लक्स क्या होगा। अब सारी लाइंस तो इसमें पास नहीं हो रही, ये तो कुछ पार्ट ऑफ लाइंस ही पास, और वो भी आपको क्या निकालना है, कितनी लाइंस पास कर रही हैं परपेंडिकुलरली। तो आपके पास दो तरीके हैं फ्लक्स निकालने के। पहला, गॉस थ्योरम। तो बंदा सोचता है गॉस थ्योरम लग जाए तो काम ही खत्म हो जाए, क्यूब एप्सिलॉन मेरी बात बन जाएगी, पर बात इसलिए बन नहीं पा रही क्योंकि शीट तो ओपन सरफेस है, अपने को क्या चाहिए, क्लोज सरफेस, तो वो तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर एक पहला पॉइंट है। ठीक, तो नहीं लगा पाया। फिर मैं सोचता हूँ ई डॉट डी एस लगा लूँ। अब जब मैं ई डॉट डी एस लगाता हूँ वो तो बिल्कुल ही मुश्किल है, क्योंकि ई वेक्टर यहाँ पर अलग डायरेक्शन में, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, तो मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगा ई डॉट डी एस। लाइन तो हर तरफ जा रही है तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल बन नहीं पा रहा, तो मैं दोनों तरफ से फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। बट मेरा मन ये कहता है कि बस किसी तरीके से गॉस थ्योरम लग जाए तो मजा ही आ जाए। पर गॉस की क्या प्रॉब्लम है कि बॉडी क्या होनी चाहिए, बंद, क्लोज्ड। तो ऐसा करो, ऐसा करो, आप इमेजिन करो कि ये शीट शीट नहीं है, ये शीट, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, तो ये 10x10 का फ्लोर है, और ये चार्ज कहां पर पड़ा है, 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो जहां ये कैमरा फिक्स्ड है, समझो ये चार्ज है क्यू, रूम के सेंटर पे। ठीक हो गया यहां तक? तो चार्ज रख दिया और ये क्वेश्चन है, तो आपको फ्लक्स निकालना है फ्लोर में से, तो गॉस थ्योरम लगानी है तो उसको बंद करना पड़ेगा। तो एक काम करो, सेम जितना फ्लोर है 10x10 का, यहां दीवार फिट कर दो, इमेजिनरी है नहीं, इमेजिन कर दो यहां एक दीवार है 10x10 की, यहां भी यहां फिट कर दो 10x10 की, यहां पे 10x10 का पैनल यहां लगा दो, ये दीवार लगा दो 10x10 का, वो और छत भी लगा दो, तो क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। तो सोचो अब आप इमेजिनरी क्यूब के अंदर हो, और जहां पर चार्ज कहां पर है, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे, इमेजिन करना है। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है इमेजिनेशन? ठीक है, तो आपको तो गिवन फ्लोर था सिर्फ, पर आपने छत भी अज्यूम कर ली, आपने वॉल्स भी अज्यूम कर ली, चारों की चारों, तो आपके पास कितने फेसेस हैं, 6, क्योंकि 6 फेस हैं। तो आप सिर्फ ये बताओ कि अगर इसके, इस क्वेश्चन के अंदर आप इसे बंद कर देते हो हर तरफ से, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के चार्ज
जो पास करेगा वो हर तरफ करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो अगर आपसे ये पूछे इस पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना है, तो आंसर क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक बंद बॉडी बन चुकी है, एक क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी पे तो गॉस थ्योरम लग सकती है। तो क्लोज बॉडी में कितने फेसेस हैं? तो सिक्स फेसेस का फ्लक्स कितना है? क्यू बाय, आपसे पूछा कहां छह फेस, आपसे तो एक फेस पूछा, और आपका चार्ज कहां पर पड़ा हुआ है? इस क्यूब के सेंटर पे। तो जितना फ्लक्स एक फेस का होगा उतना दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का और छठे का बाय सिमेट्री सेम होगा। सिमेट्री क्योंकि चार्ज कहां पर है? सेंटर पे। तो आपको एक फेस का निकालना है, तो एक फेस का आंसर क्या होगा? 1/6 क्यू बाय, पुट आउट इसमें आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि एक शीट का क्या होगा? टोटल जो भी फ्लक्स आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उसको 6 से डिवाइड करते। ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, बातें बातें, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो। अब जब ये बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट डर जाता है, वो कहता है यार ऐसे कैसे लगा दो, अब नया क्वेश्चन आएगा, यहाँ तो दीवारें लगा दी और मुझे क्या पता कि सेम साइज की लगानी है, मैं बड़ी लगा गया तो बॉडी तो तब भी क्लोज बनती है। आप बड़ी लगाएंगे ही नहीं, क्यों? अगर आपने बड़ी लगा दी तो आप 6 से डिवाइड कैसे करेंगे, क्योंकि आपको फ्लक्स को बांटना भी तो डिवीजन में है ना, 6 में। तो आपको चार्ज को भी सेंटर में रखना है और सारी फिगर को भी कैसे बनानी है, सिमेट्री में बनानी है, ताकि डिवीजन करना इजी हो जाए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अगर ये स्क्वायर शीट ना होती, पता नहीं फिर आंसर क्या होता। अगर ये कोई भी आर्बिट्री कर देता तो हो सकता है मैं आंसर निकाल ही ना पाता, या हो सकता है मैं और टेक्निक लगाता, पता नहीं। ये अभी पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन है ना, हम अभी 8-10 करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप आंसर मिलते जाएंगे कि क्या करना है। अभी आराम से, अभी स्क्वायर ही है, ठीक है। तो कुछ और किस्म के क्वेश्चंस हैं तो वो लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन वो भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो क्लियर है, स्क्वायर में तो पूछो। ठीक, शीट नहीं, एक मिनट, ये चार्ज शीट नहीं है, तो आप इसमें शीट के कोई फॉर्मूले लगेंगे नहीं इसमें, जैसे पॉइंट चार्ज, इसमें तो चार्ज ही नहीं है, तो शीट के फॉर्मूले लगेंगे नहीं, चाहे थिक है चाहे थिन है, क्या फर्क पड़ता है? ये तो फ्लोर है, खाली फ्लोर है, तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वो कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर के बिल्कुल टॉप पे एक क्यू चार्ज है, ठीक। तो आपको क्या निकालना है? इसका फ्लक्स निकालना है हेमिस्फेयर का। अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? क्यू चार्ज हर तरफ लाइंस को प्रोड्यूस करेगा, ऊपर भी नीचे भी, पर आपको क्या करना है? सिर्फ हेमिस्फेयर का निकालना है। तो कोई बात नहीं, इसको भी ढक दो, ढक्कन लगा दो, और क्या ढक्कन लगाएंगे? हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर के ऊपर हेमिस्फेयर, क्या बन गई? सिमेट्री बन गई। देखो सिमेट्री जरूरी है। कोई कहेगा मैं तो डिब्बे से बंद करूंगा इसे, हाँ तो कर लो डिब्बे से बंद, फिर बांटोगे कैसे? डिब्बा कहेगा मेरा फ्लक्स और है, हेमिस्फेयर का मेरा कुछ और है, तो टोटल फ्लक्स तो निकाल लोगे, डिवीजन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए किसमें करनी पड़ेगी? सिमेट्री में। तो आप हेमिस्फेयर के ऊपर हेमिस्फेयर ही लगा दो, और चार्ज एग्जैक्टली कहां पर आ गया? इसके सेंटर पे। तो जब चार्ज सेंटर पे आ गया तो दोनों पूरे स्फीयर का फ्लक्स कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक हेमिस्फीयर का क्या होगा? डिवाइड बाय 2। डन। तो सिमेट्रिकल फिगर का समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना, सिमेट्री में क्लोज कर दो आंसर। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे कैसे पता लगा कि ये चार्ज इसके अंदर तो नहीं है, अंदर तो नहीं है, ये ऊपर ऊपर पड़ा हुआ चार्ज कभी अंदर नहीं कहलाएगा। अगर चार्ज बिल्कुल सरफेस पे है, उसकी बाउंड्री बिल्कुल सरफेस पे है, वो इनसाइड नहीं है। इनसाइड तब कहलाएगा जब थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, सरफेस पे पड़ा हुआ चार्ज इनसाइड नहीं है। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सिलेंडर, ये जो पूछ रहे थे, तो चार्ज कहां पर पड़ा हुआ है? सरफेस पे। अब प्रॉब्लम फिर वही, अगर सरफेस पे चार्ज पड़ा है तो उस केस में क्या करना है? अब लाइंस तो हर तरफ हर तरफ हर तरफ हर तरफ, फिर वही सेम प्रॉब्लम। तो आप क्या करोगे? इस सिलेंडर को एक और सिलेंडर से ढक दो, तो दो सिलेंडर हो गए। ये देखो हो गई सिमेट्री। अब दोनों सिलेंडर्स का फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिंगल का क्या होगा? हाफ। क्या बढ़िया टेक्निक है। तो आप सिमेट्री में काम कर लो और डिवाइड बाय उसको बांट दो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्लोज बॉडी कैसे बनानी है। Sir, अगर
किसमें किसकी बात कर रहे हो आपके? वो मैं पूछूंगा ठीक आपसे। देखो बोलो, तो पता नहीं क्या करेंगे। देखो अगर आप कहो कि अब मैंने आपको टेक्निक सिखा दी, अब आप लोगों से पूछोगे चल क्वेश्चन दे, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे को मत देना, मैं नहीं कर सकता। आप कुछ भी मेरे से क्वेश्चन पूछे जाओगे और मैं सिमेट्री में ना बना पाया, मेरा आंसर नहीं आता। तो मैं इस टेक्निक को लिमिटेड क्वेश्चन में लगा पाऊंगा। आप मुझे कहोगे कि सरफेस के ऊपर चार्ज रख दे, कहीं और यहाँ चार्ज यहाँ रख दे, हो सकता है मैं ना भी कर पाऊँ, हो सकता है मैं कर भी पाऊँ, मुझे पता नहीं। सिमेट्री में बन गई तो कर पाऊँगा, नहीं बनी तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो कोई और टेक्निक यूज़ करूँगा। वो क्या टेक्निक है फिर टाइम के साथ वो देखेंगे। बट हाँ, आप किसी भी बॉडी का फ्लक्स निकाल पाओगे? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है आज की डेट में। कोई ऐसी बॉडी आ गई, आरपीटी दे दी हमें, कुछ भी कुछ टेढ़ी मेढ़ी सरफेस तोड़ फोड़ के दे दी, ये लो अब निकाल लो, तो क्या करोगे? निकाल नहीं पाओगे। तो ये ज़रूरी नहीं, पर हाँ हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसमें काफ़ी हद तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को सिमेट्री में होना ज़रूरी है। जब मैं इमेजिन करूँगा तो सिमेट्रिकल इमेजिन करूँगा, अगर मैं नहीं कर पाया फिर हो सकता है मैं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। पर हाँ एक बात पक्की कह देता हूँ, अगर किसी टीचर ने या किसी पेपर ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो फिर वो आपकी रेंज में ही होगा, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, कुछ भी कहीं भी चार्ज रख के कुछ भी पूछ लेगा, वो नहीं पूछेगा। आपकी रेंज में होगा, आपने वो क्वेश्चन देख रखे होंगे, कहीं ना कहीं आपको आइडिया होगा उन क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है। यही प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर तक, हम एक पूरा लेक्चर और पढ़े, इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस है, ठीक। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अब देखो ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के चार्ज कहाँ पर पड़ा हुआ है? बाहर पड़ा हुआ है। अब जब बाहर पड़ा है तो फ्लक्स क्या होगा, क्योंकि क्लोज बॉडी के बाहर है, और वैसे भी एक तो जो आपका गॉस थ्योरम है वो तो कह रहा है कि चार्ज अंदर है ही नहीं तो जीरो, और दूसरा वो रीज़न याद है, हेमिस्फीयर में एंटर कर गई लाइन और एग्जिट भी कर गई, एंटर कर गई और एग्जिट कर गई, दो बार कट कर गई, तो नेट फ्लक्स वैसे ही जीरो, ठीक है यहाँ तक। फिर अगर चार्ज बिल्कुल अब अंदर चला गया, चार्ज सरफेस पे नहीं है, तो अब ये इनसाइड चला गया तो फ्लक्स क्या होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब ये सरफेस पे आ गया बिल्कुल, तो फिर स्फीयर बनाना पड़ेगा, स्फीयर का क्यू बाय एप्सिलॉन करके डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा। तो अलग अलग केसेस हैं, तो मेरे ख्याल से अब ये केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है इसमें? हाँ बोलो। वो ओपन है, हाँ ओपन है। इसका आंसर क्वेश्चन पढ़े कौन सा?
इसमें? देखो देखो, पहला पॉइंट ये है कि इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये एक क्लोज बॉडी के बारे में, जो शेडेड बॉडी है वो क्लोज बॉडी है, इस क्लोज बॉडी का आपको फ्लक्स निकालना है। अब कुछ चार्जेस इस क्लोज बॉडी के बाहर पड़े हुए हैं, ये तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करते ही नहीं, तो ये तो ऐसे कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखे हैं कि शायद लोग इसको भी ऐड कर देंगे, पर हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। एक रुपये का सिक्का है, कह रहे न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो कोई चार्ज नहीं, तो फिर हमने क्या करना है इसका, पड़े रहने दो इसको भी, तो ये कोई फ्लक्स में कंट्रीब्यूट तो करेगा नहीं। तो अब मुझे पता है मेरे पास अब कुल मिला के 3 चार्ज बच गए जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आप मुझे एक बात बताओगे, अगर ये एक कोई क्लोज बॉडी है जिसमें q चार्ज है और एक माइनस q चार्ज है, इसका नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो। तो आप देखो ई के अंदर नेगेटिव चार्ज नहीं लेते, है ना, मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसमें तो लेंगे, क्योंकि ये चार्ज अगर लाइन बाहर निकालता है तो ये चार्ज लाइन एंटर करवाता है, तो नेट अफेक्ट क्या हो जाता है? जीरो। तो इसलिए जब हम फ्लक्स लेंगे तो टोटल चार्ज जब हम लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, तो प्लस माइनस और माइनस, तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना इसे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल कैसे करेंगे इस, अच्छा हाँ 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 ये कैंसिल करेंगे दिस पार्ट, राइट, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? हाँ, सिर्फ पिंक शेडेड रीजन का ही निकालना है, किसमें नहीं है? कॉइन पिंक कैसे होगा, वो जगह ही घेर गया उसकी, जब प्लेस ही कर गया उसकी, ये क्लोज बॉडी है, बस इसके अंदर जो आ रहा है उसका निकालना है। पिंक मींस ये जब आउटर, ये ओके, ऐसे इसका निकालना है, ओके छोड़ो, मैं वर्ड पिंक ठीक नहीं यूज कर गया, ये लो दिस इज अ क्लोज बॉडी, इसका निकालना है अब, ठीक है, ओके इसका निकालना है, ओके। नेक्स्ट, आपको दो शेल्स गिवन है, एक शेल S1 है, एक शेल S2 है। S1 के अंदर चार्ज Q गिवन है और S1 S2 के बीच में 2Q गिवन है। आपको फ्लक्स की रेशियो निकालनी है S1 की एंड S2 की। तो S1 का फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर का चार्ज, S1 के इनसाइड चार्ज क्या है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और S2 का क्या फ्लक्स होगा? S2 में 2Q प्लस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कोई ये ना कहे कि S2 में तो 2Q आएगा, S1 के अंदर Q आएगा, मैं इस S2 के अंदर 2Q Q क्यों लूं? देखो, S2 के अंदर जो भी चार्ज है, जब S1 इंक्लूडेड है, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो पॉइंट क्लियर है? तो आप इसमें S1 का फ्लक्स निकाल लेंगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट, S2 का 2Q प्लस Q बाय एप्सिलॉन, और दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड आंसर। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक। अब सेम क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि हाउ विल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ S1 चेंज। S1 का फिर फ्लक्स निकालो, पहले कितना था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर से निकालो। अगर S1 के अंदर हम एक ऐसा मटेरियल डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। अब आप मुझे एक बात बताओ कि S1 का फ्लक्स पहले क्या था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम था। अब क्या डाल दिया आपने? मीडियम। तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? एप्सिलॉन एम। क्या स्टेप क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम। और आपको पता है कि एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन एम क्या होता है? के इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करेंगे? इसकी जगह पुट कर देंगे के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, आपके पास आंसर आएगा। क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया S1 का, तो एप्सिलॉन की वैल्यू भी आपने चेंज कर दी। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? सर बोलो। सर एक बार ये फिर से बता दो, ये बी पार्ट। अच्छा, मैंने ये बताया
मैंने ये बताया कि अगर मैं यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दूँ S1 के अंदर, यहाँ पे ये सिर्फ इतने पोर्शन में K, तो S1 का जो फ्लक्स होगा अब वो क्या होगा, Q जो भी इसके अंदर चार्ज है भाई, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा ना, अब मीडियम चेंज हो गया ना इसका, ठीक है, ये लो आंसर, ठीक ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अब हमने S1 के अंदर से हटा दिया, हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहां डाल दिया, S1 एंड S2 के बीच में डाल दिया, तो ये शेडेड पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जिसकी वैल्यू कितनी है K, तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज फ्लक्स ऑफ S1, तो S1 का फ्लक्स क्या होगा, S1 के अंदर कितना चार्ज है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर Q एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अगर S1 का फ्लक्स निकालना है तो उसके अंदर का चार्ज देखना है, उसके बाहर क्या हुआ हमें लेना देना नहीं, राइट। अगला क्वेश्चन पूछो, हाँ पूछे पूछो, अगर S2 का निकाल, हाँ हाँ अगर S2 का निकालना तो क्या, बहुत बढ़िया, मैं वेट ही कर रहा था, हर साल ये पूछते हैं लोग, मैं निकाल नहीं पाऊंगा भाई, क्यों, सर रीजन बताता हूँ, क्योंकि अब मीडियम दो दो हो गए, अगर S2 का निकालना है तो यहाँ मीडियम अलग है, यहाँ मीडियम वैक्यूम है, तो मेरे को अब आपको एक ऐसी टेक्निक सिखानी पड़ेगी कि जिसमें अगर दो मीडियम्स गिवन है, ये इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और वैक्यूम का तो वन होता है, या हो सकता है वो कल को ये भी कह दे कि मान लो आपके पास इसका मीडियम जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डैश है, अब बोलो आंसर क्या होगा, तो मेरे को एक ऐसी टेक्निक सिखानी पड़ेगी जिसमें दो मीडियम की जगह उसका इक्वलेंट मीडियम क्या बनेगा, यानी कि एक मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और दूसरे का K डैश है, तो अगर मैं दोनों की जगह एक नया मीडियम लूँ जो इक्वलेंट टू दिस मीडियम कॉम्बिनेशन मीडियम हो, तो मेरे को एक नया K निकालना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन आएगा, K इक्वलेंट निकालना जिसको बोलते हैं, इक्वलेंट K निकालना, जैसे रेजिस्टेंस नहीं करते, एक रेजिस्टेंस R1 एक R2, और अगर सीरीज में है तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस RS, तो R1 R2 की जगह RS से काम चल जाता है, ऐसे ही K1 K2 की जगह एक नया मीडियम फिट करेंगे जो कि इन दोनों का काम करेगा, इक्वलेंट मीडियम, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए आज की डेट में हम वो कर नहीं पाएंगे, ये काम कैपेसिटर्स में करवाएंगे, जब दो इक्वलेंट K1 K2 K3 तीन तीन मीडियम की जगह एक मीडियम लगाना होता है तो वहां से आएगा, अभी ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, मैं बता भी नहीं पाऊंगा अभी, तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन वालों क्लियर है, yes. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्वड प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी नीले रंग की किताब है, सॉल्वड प्रॉब्लम है, कितनी बार ये मेंस में, नीट में और सीबीएसई के पेपर में ये आ रखा है, एज इट इज डाल देते हैं उठा के इसे, तो इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहली चीज ये गिवन है कि एक क्यूब गिवन है, एक क्यूब की साइड ए गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है 0.1 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट नहीं है, एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और एक्स की वैल्यू राइट पे जाते हुए क्या हो रही है, इंक्रीज, तो ई की वैल्यू भी राइट के ऊपर जाते हुए क्या होगी, इंक्रीज, कोई डाउट इसमें, ठीक है, तो अगर राइट की तरफ जाएंगे तो ई की वैल्यू क्या होगी इसमें, इंक्रीज, राइट, तो ई कांस्टेंट नहीं है जैसे, और हाँ एक और चीज, वाई और जेड में तो ई है ही नहीं, ना वाई में है ना जेड, सिर्फ एक्स में, तो अल्फा की वैल्यू उसने दे दी, तो अल्फा को तो यहाँ भी पुट कर सकते हो, तो ई की वैल्यू को लिखा जा सकता है 800 × x^2, अल्फा अलग से लिख दिया उसने, सीधा लिख देता तो भी आसान हो जाता, तो 800 × x^2, ये आपको गिवन है, क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपको ई की वैल्यू उसने दे दी। अब मुझे सिर्फ ये पहला पॉइंट बताओ कि अगर ये फेस देख रहे हो, ये वाला पहला, ये वाला फेस, ये वाला, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ए, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, a, तो e की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, e की वैल्यू 800 × a^1/2, राइट, क्यों, क्योंकि क्योंकि इस केस में x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर, यहाँ पे देखो a, तो अगर x की वैल्यू a है
तो E के अंदर x की जगह क्या पुट कर देंगे, a। कोई डाउट इसमें? तो ये जो फेज दिख रहा है इसमें x की वैल्यू a है, और ये जो फेज दिख रहा है उसमें x की वैल्यू कितनी है, 2a है। ये a है और ये 2a है। तो यहां पर E की वैल्यू क्या होगी, 800 इंटू ए रेज टू पावर 1/2, और यहां पे E की वैल्यू क्या होगी, 800 इंटू 2a रेज टू पावर 1/2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो जहां E निकालना है वहां x का कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, E आ जाएगा। तो यानी कि E नॉन यूनिफॉर्म है, E कांस्टेंट नहीं है। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है यहां तक? आगे अब E की डायरेक्शन कहाँ है? E की डायरेक्शन हर हालत में टूवर्ड्स राइट है। चाहे आप ये फेस ले लो, 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 कोई मर्जी फेस ले लो, आपको क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन होगा। बस ये ब्लू कलर के वेक्टर नहीं गिवन होंगे, मैंने ड्रॉ किए हैं, बाकी गिवन होगा। ये भी क्लियर है यहाँ तक? तो E कहाँ पर है, टूवर्ड्स राइट, क्योंकि x के ऊपर डिपेंडेंट है और x एक्सिस टूवर्ड्स राइट है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो मेरे माइंड में पहली चीज ये आती है कि किसी तरीके से मैं गॉस लगा दूं, गॉस थ्योरम लगाऊं, मेरा काम जल्दी से खत्म हो जाए। अब गॉस थ्योरम के लिए क्या चाहिए, क्लोज बॉडी। एक बात मैं खुश हो जाता हूँ, इट्स अ क्लोज बॉडी, लग सकती है। और फिर मुझे क्या ढूंढना होता है, इसके अंदर कितना चार्ज है, पर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर चार्ज नहीं दिया। ठीक है, अब क्या गिवन है, उसने चार्ज देने के बजाय ई दे दिया, ई की वैल्यू उसने हमें दे दी, तो चार्ज की जगह उसने ई दे दिया हमें। तो अब यानी कि गॉस थ्योरम में लगा नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे को चार्ज नहीं पता। तो मैं वापस आ जाता हूँ दूसरी टेक्निक पे, मैं क्या लगाऊंगा, ई डॉट डी एस। अब ई डॉट डी एस एक गो में तो लगता नहीं है, ऐसी फिगर्स में सिलेंडर में ही लगा, इसमें क्या लगेगा। तो कितने फेस हैं, 6, तो 6 बार ई डॉट डी एस करना पड़ेगा। पहले इस फेस का, फिर पिछले फेस का, फिर इस फेस का, फिर इस फेस का, फिर ऊपर का, फिर नीचे का। तो 6 बार ई डॉट डी एस की इंटीग्रेशन पर फेस, एक एक फेस लेके करनी पड़ेगी, फिर उनको ऐड करना पड़ेगा, फिर फ्लक्स आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो एक एक करके शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो पहला पॉइंट, अगर हम बात करते हैं इस फेस की, इस सरफेस की, अगर हम बात करते हैं इस सरफेस की, तो इस सरफेस का एरिया कहां पर है, ऊपर है, परपेंडिकुलर, और ई वेक्टर तो हर हालत में कहां है, टूवर्ड्स राइट है। तो एंगल एरिया वेक्टर और ई वेक्टर में क्या हुआ, 90। क्लियर है यहां तक? ठीक है, 90। तो फ्लक्स इस सरफेस का क्या होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला ई डी एस, ई डॉट डी एस, यानी कि ई डी एस कॉस ऑफ 90, तो क्या होगा, जीरो। तो फ्लक्स जीरो हो गया। अच्छा, इस सरफेस का भी ई वेक्टर कहाँ है, टूवर्ड्स राइट, डी एस कहाँ पर है, नीचे, एंगल क्या, 90, तो फ्लक्स, चलो ठीक हो गया, बढ़िया हो गया। इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। जो पिछला और अगला फेस है, जो ये वाला फेस है और जो पीछे आगे पीछे, तो इस फेस में एरिया वेक्टर इधर है, ई वेक्टर इधर है, एंगल फिर 90, तो फ्लक्स इज, और पीछे वाले फेस का भी एरिया वेक्टर पीछे है, ई वेक्टर इधर है, तो फ्लक्स इज, तो 6 में से 4 का फ्लक्स जीरो, ऊपर का, नीचे का, आगे का और पीछे का। बचे क्या दो फेस, साइड वाले। अभी तो शेड पिंक कलर में किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले को पता है कि इसका फ्लक्स जीरो नहीं है, ऐसे तो ना पिंक किया हुआ है ताकि उसको याद रहे कि इसका नॉन जीरो है। क्यों नॉन जीरो है, इसलिए नॉन जीरो है क्योंकि यहां पर ई वेक्टर कहां है, टूवर्ड्स राइट, और एरिया वेक्टर कहां है, टूवर्ड्स राइट, एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज जीरो, और यहां पर ई वेक्टर कहां है, राइट, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो एंगल इनके बीच में 180। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो एक में एंगल क्या हुआ, जीरो, और एक में एंगल क्या हुआ, 180। तो चलो इन दो फेस का कर लें। तो सबसे पहले इन दो फेस को करने के लिए, ये फेस नंबर वन, ये फेस नंबर टू, तो वन नंबर के अंदर ई और डी एस में एंगल कितना है, 180। तो ई वन क्यों, क्योंकि यहां पर ई वन की जो वैल्यू आएगी वो अल्फा इंटू ए रेज टू पावर 1/2, क्योंकि यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ए, और यहां पर
ई टू की वैल्यू क्या आएगी, एल्फा इंटू टू ए रेस टू पावर 1/2। क्लियर है यहाँ तक? तो अब चेक करो, तो ई वन की जगह एल्फा इंटू ए रेस टू पावर हाफ, और एरिया कितना है, ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और इंटू कॉस ऑफ 180। कॉस 180 मैथ्स में क्या होता है, माइनस 1। तो मैथ मेडिकल के लोग याद रखेंगे माइनस 1। ठीक है यहाँ तक? और अब इस फेस की बात करें, इस फेस में ई की वैल्यू कितनी, एल्फा इंटू टू ए रेस टू पावर हाफ, और एरिया की जगह ए स्क्वायर, कॉस 0 क्या होता है, 1। तो क्या ये स्टेप क्लियर है सबको, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें ये लो, तो इसके अंदर कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से अल्फा कॉमन आ रहा है, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और हाफ ऐड होगा तो 5/2, ऐसे 2 और हाफ ऐड होगा तो 5/2। ये रहा, तो यहां से कॉमन आ गया अल्फा, ए रेज टू पावर 5/2 कॉमन आ गया, अल्फा कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचा, यहां से बचा 2 रेज टू पावर हाफ, और यहां से क्या बचा, माइनस 1। ए की वैल्यू क्वेश्चन में 0.1 गिवन है आपको, और अल्फा आपको 800 पता है, सॉल्व करके आंसर। क्वेश्चन पूछो ना सर, 0.1 रेज टू पावर 5/2 सॉल्व कैसे करेंगे कैसे करेंगे पता नहीं कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, वापस चलते हैं, 5/2 कैसे बना, ए की पावर हाफ, ए की पावर स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 0.1, मल्टीप्लाई मत करो फिर, 0.1 का स्क्वायर तो आता है, 0.1 का अंडर रूट भी निकाल लेना, 1/10 का अंडर रूट, वो तो फिर भी अप्रॉक्सीमेट 3 समथिंग आ जाएगा, फिर कर लेना सॉल्व इसे। 5/2 कैसे करोगे मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, मैं तो बोल दिया मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं, यहाँ पर यही यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर मैं कर लूंगा, 0.1 का अंडर रूट भी कर लूंगा, तो यहीं से सॉल्व कर दूंगा, यहाँ कॉमन निकालूंगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो आया हुआ क्वेश्चन, हाँ पूछो पूछो, cos 180 माइनस 1, cos 0 1, क्यों कहा है यहाँ क्वेश्चन में, इसके अंदर क्यों है ही नहीं। देखो आपके पास फ्लक्स निकालने के दो ही तरीके हैं, या तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सबको अच्छा लगता है वो, क्यू दे दो, डिवाइड तो करना है, वो हर बार चलेगा नहीं, क्यू उसने दिया ही नहीं, उसने ई दे दिया तो ई डॉट डी एस, दो ही तरीके हैं ना, तीसरा कोई तरीका नहीं। इसी का एक और पार्ट आता होता है, इसमें गिवन नहीं है, वो क्या कहेगा, फ्लक्स निकल गया ना, वो कई बार क्वेश्चन में फ्लक्स निकालने को नहीं कहेगा, वो कहेगा चार्ज निकाल लो इस क्यूब में कितना है, फ्लक्स आ गया, फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो भी इसमें फ्लक्स आया, जो भी आंसर आया, तो और ये आंसर आ गया, इसको पुट कर देंगे जो भी इसके अंदर का चार्ज है बाय, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनसाइड का चार्ज आएगा, ऐसा भी आ जाता है। तो कई लोग नहीं सोच पाते, वो कहते आपने फ्लक्स कराया था, उसने चार्ज पूछ लिया, कैसे करेंगे, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देंगे। ठीक है यहाँ तक? अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो हो सकता है फिर ये क्वेश्चन आ जाए, इस क्वेश्चन को पढ़ना प्लीज, मिलता जुलता ही है। ओके, कल देखो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये ना, आपको ऐसी टर्म स्पेशली मेडिकल वालों को रीड करनी आनी चाहिए,
नॉन मेडिकल वालों को आता है, सेट सूट्स वो करते हैं, उनको पता होता है कैसे हीट करना है, क्या कि अगर ई वेक्टर 200 आई कैप है, यानी कि ई की वैल्यू 200 आई कैप का मतलब ई की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब ओरिजिन के राइट की तरफ जाते हैं तो ई वेक्टर राइट है, और अगर एक्स लेस देन जीरो है, एक्स नेगेटिव है, तो यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ आते हैं, अगर नेगेटिव एक्स नेगेटिव है जैसे -1 -2, तो वहां पर ई की वैल्यू क्या है, -200 आई कैप, यानी कि उसकी डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसको ऐसे हम विजुलाइज करेंगे कि हमारे पास अगर मान लो ये ओरिजिन है, ये x इज इक्वल टू जीरो है, ये जो आगे का रीजन है x ग्रेटर देन जीरो है, ये रीजन x लेस देन जीरो है, यहाँ पर जो e की वैल्यू है वो 200 आई कैप है, और यहाँ पर जो e की वैल्यू है वो -200 आई कैप है, यानी कि नेगेटिव की तरफ है, यहाँ पॉजिटिव की तरफ है, इसका मतलब ये, यानी कि पिछले क्वेश्चन में, क्यूब वाले क्वेश्चन में E की डायरेक्शन A की तरफ थी सारे फेसेस में, इसमें आधे में राइट है आधे में लेफ्ट है, ठीक हो गया यहाँ तक? तो आपने, आपको ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट है, अब वो कह रहा है कि एक काम करो, एक सिलेंडर ले लो, ये रहा, जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और सेंटर एट ओरिजिन। तो आपने क्या करना है, इस सिलेंडर को आप प्लेस करो। कैसे प्लेस करना है, आपने ऐसे प्लेस करना है कि इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो अगर ये ओरिजिन है तो ये वाला जो रीजन है वो x ग्रेटर देन जीरो है, और ये जो रीजन है x लेस देन जीरो है। तो x ग्रेटर देन जीरो के ऊपर e वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स राइट, और x लेस देन जीरो पे e वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो समझ में आ रहा है, तो इस सिलेंडर को जहाँ प्लेस किया, इसके आधे पार्ट में ई वेक्टर राइट है और आधे पार्ट में ई वेक्टर लेफ्ट है, राइट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालना है ईच फ्लैट फेस। तीन फेस हैं, पहला फेस, दूसरा फेस और तीसरा। ये तीसरे वाला कर्व्ड फेस है, फ्लैट नहीं है। फ्लैट वाले कौन से हैं, सर्कल और सर्कल। तो आपको सर्कल सर्कल का फ्लक्स निकालना है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपको फ्लक्स इसका निकालना है, आपको फ्लक्स इसका निकालना है, इसका नहीं निकालना। निकाल भी लोगे तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ई वेक्टर इधर है, ई वेक्टर इधर है, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर अगर मान लो इस तरफ है, ई वेक्टर इधर है, तो एंगल बिटवीन देम इज 90। तो कर्व्ड का तो वैसे भी फ्लक्स क्या आने वाला है, जीरो, उसने वैसे पूछा ही नहीं, समझ में आ गया। अगर पूछ भी लेता तो भी जीरो होता ही ना। तो अब फ्लक्स इसका और इसका निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ्लक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पर ई वेक्टर कहाँ है, राइट, एरिया वेक्टर कहाँ है, राइट, एंगल बिटवीन देम इज जीरो, ई और डीएस में एंगल क्या बनेगा, जीरो। यहाँ पर ई वेक्टर कहाँ है, लेफ्ट, एरिया वेक्टर कहाँ है, लेफ्ट, फिर से एंगल क्या बनेगा, जीरो। तो लेफ्ट और राइट का फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको मैंने दो तरीके से कर दिया। पहला तरीका, लेफ्ट का फ्लक्स ई, लेफ्ट का ई डेल्टा एस कॉस जीरो, और राइट का फ्लक्स ई डेल्टा एस, डेल्टा एस डी एस एस कुछ भी पुट करो, तो ई इंटू एस इंटू कॉस जीरो, उसका भी ई इंटू एस इंटू कॉस जीरो। तो आपको आंसर दोनों में सेम मिलेगा। तो ई की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाल लूंगा, रेडियस मुझे 5 सेंटीमीटर गिवन है, और कॉस जीरो तो 1 है। तो जो आंसर लेफ्ट का आएगा वही राइट का भी आएगा। एक एक मेथड तो ये है, यहाँ तक क्लियर है? कई बुक्स ऐसे भी करती हैं, ऐसे ज़्यादा कर लेती हैं, पर मेरे को ये ठीक लगता है, डायग्राम से कर लेता हूँ तो सॉल्व। जैसे इसमें लेफ्ट का फ्लक्स है, ई वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ओपन मत करो, क्योंकि इसमें मैंने ओपन किया ई डी एस कॉस करके, वगैरह वेक्टर फॉर्म लिख लो। ई वेक्टर कितना है इसका, -200 आई कैप, और एरिया वेक्टर लेफ्ट है पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप, माइनस आई कैप का मतलब लेफ्ट है। तो आई डॉट आई क्या होता है, 1 आंसर। ऐसे अगर उसका लिखना है तो ई वेक्टर का है राइट 200 आई कैप, एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर आई कैप, आई डॉट आई इज 1 आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, चाहे वेक्टर फॉर्म में कर लो चाहे ई डी एस कॉस थीटा कर लो, एक ही बात है, कोई डाउट इसमें? वैसे पहला मेथड में वो ज़्यादा ठीक लगता है, सीधा एक डायग्राम देख के सॉल्व हो जाएगा, बात करता हूँ। इसका अगला पार्ट है, इसी प्रॉब्लम में फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, आंसर इज जीरो। इसी प्रॉब्लम में फाइंड चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, अब कर्व्ड का फ्लक्स क्या है, जीरो, तो
टोटल फ्लक्स पूरे सिलेंडर का क्या है, लेफ्ट का फ्लक्स प्लस राइट, और कर्व्ड का क्या है, जीरो, तो टोटल फ्लक्स आ गया। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, बोलो। नहीं, क्यों कैंसिल करेगा, क्या पता अनइक्वल चार्जेस अंदर, उस तो सॉल्व करके आंसर जीरो आया ही नहीं। ओके, ऐसे सही कह रहे हो, ऐसे कर सकते हो, लाइन इधर जा रही है एक बार कट करेगी, जो लाइन इधर जा रही है एक बार कट करेगी, दो बार नहीं करेगी, तो जीरो कैसे होगा। मान लो एक लाइन इधर जा रही है, ये देखो इसमें ये लाइन इधर कट कर गई, मान लो यहां पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं कितना चार्ज है, हो सकता है अलग अलग चार्जेस हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो, मुझे पता नहीं, चलो पॉजिटिव चार्ज है, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहां पड़ा है कुछ यहां पड़ा है, इस पॉजिटिव चार्ज ने यहां लाइन भेज दी, इस पॉजिटिव चार्ज ने यहां भेज दी, या कुछ भी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स तो मुझे पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि लाइन यहां भी आ रही है, लाइन ओरिजिन से यहां भी आ रही है, तो एक ही बार कट कर रही है, तो कैसे होगा। ओके ओके, वेक्टर फॉर्म में ले लो, उसमें तो चलो मैं ऐड कर दिया, नहीं तो वेक्टर फॉर्म तो ठीक कर रहा हूं ना, इसमें तो एज इट इज डायरेक्शन के साथ पुट किया तो आंसर आ गया। हाँ, तब जीरो होता जब ई वेक्टर ए की तरफ होता, ए की तरफ, फिर लाइन आ रही है कट करती हुई एंटर कर गई और साथ में वही लाइन एग्जिट कर गई, तो देखो ना अगर ए की तरफ होता तो ये नेगेटिव ना होता, फिर एक पॉजिटिव आता एक नेगेटिव, तो नेट फ्लक्स तब जीरो होता। आप इमेजिन करो चार्ज को लेके कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो आप ये सोच रहे हो कि फ्लक्स इधर का इधर गया और इधर गया तो कैंसिल हो गया, कैंसिल तब होता है जब एंट्री हो रही है और एग्जिट हो रही है, इसमें सिर्फ एग्जिट हो रही है दोनों तरह के तरीके से, इधर भी और इधर भी, इधर तो एग्जिट हो रहा है ना, तो कैसे होगा। मान लो क्यू चार्ज है, ये रूम है, तो क्यू चार्ज पॉजिटिव लाइन को यहां फेंकेगा, वही क्यू चार्ज पॉजिटिव लाइन को यहां भी तो फेंक रहा है ना, तो ये थोड़ा कि इधर इधर कैंसिल हो गया, तो ऐसा है ये, ठीक है। ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये, मैंने ऑब्जेक्टिव शीट सब्जेक्टिव शीट नंबर 4 होमवर्क, सब्जेक्टिव शीट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 9 तक हो पाएगा, अगर 12 तक कर पाओ तो बड़ी बात है, 9 तक तो करने ही करने हैं, 12 तक बड़ी बात है, और ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 9 एंड ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 10 ये करने हैं, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 9 एंड 10 आपने करके आनी है, इसके डाउट्स वगैरह अगले क्लास में होने हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों को मैं सेंड कर दूंगा, प्लीज़ पीडीएफ कॉपी मेरे से मंगवा लेना, ठीक है।